पॉइंट ओवर किए हैं। उसके अलावा आर्म्स डिपॉजिट्स, आर्म्स लाइसेंसेस हैं 92% तक अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और अगले आने वाले दिनों में लिकर और इलिसिट ट्रांसपोर्टेशन जो चल रहा है वो भी हमने अब तक 85 केसेस किए हैं, और आने वाले दिनों में इसको भी टाइट करने वाले हैं। मॉडल कोड ऑफ ड्रग वायलेशन के लिए पार्ट पॉलिटिकल पार्टी से ये रिक्वेस्ट है कि वो जब भी रैली निकालना चाह रहे हैं या मीटिंग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए वो जरूर कंसर्न लोकल ACP से परमिशन उनको लेना है, माइक परमिशन भी लेना है, नहीं तो ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन में आएगा। इसके अलावा अगर वो डिवीजन का बॉर्डर क्रॉस करके जोन के अंदर है तो जोनल DCP को ये परमिशन देगा, अगर दो जोन या पूरे कमिश्नरेट में उनका प्रोग्राम है तो इसका परमिशन कमिश्नर से ले। तो ये सब को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर वायलेट करेंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वायलेशन केस रजिस्टर होगा। विजिलेंस के प्रकार 50,000 से कम जो है कैश वो हम सीज करने के बाद चेकिंग में अगर 50,000 रुपये मिलते हैं, 40,000 मिलते हैं, तो वो चेक करके उसके बाद अगर प्रूफ है तो हम पुलिस ऑफिसर वहाँ स्पॉट पर डिसीजन लेके उसको अगर प्रूफ दिखाएगा तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। बट 50,000 से ज़्यादा अगर है कैश सीजर तो उसको रिलीज़ करने का अधिकार पुलिस ऑफिसर को नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो वो SST या फ्लाइंग स्क्वाड से अटैच्ड है, उनका इंचार्ज है, उसको हम इन्फॉर्म करेंगे, वो तुरंत ही वहाँ पर उसको आने के लिए बोलेंगे, वो आकर पूरा वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट्स, अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये ठीक है ये ट्रांजैक्शन, फिर वो रिलीज़ कर देंगे। अगर अनअकाउंटेड कैश है तो उसको हम हमारे पुलिस स्टेशन में लगा के इनकम टैक्स वालों को बताएंगे, वो आकर फिर पूरा वेरीफाई करके जब वो सेटिस्फाई होंगे वही रिलीज़ करेंगे, नहीं तो उसको सीज करके ट्रेजरी में लगा देंगे। तो ये है प्रोसीजर। तो इसमें कॉमन पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है, बट कॉमन पब्लिक से मेरा गुजारिश है कि इलेक्शन का टाइम है सब, और आंध्र प्रदेश को एक ख़राब नाम है कि यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो सबको रिक्वेस्ट ये है कि आप केयरफुल रहिए, पकड़ने के बाद यहाँ पर छोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है, तो आप पूरे प्रिकॉशंस लेकर ये ट्रांजैक्शंस कीजिए, और अगर कैश सीज हो जाएगा उसके बाद आपको दिक्कत होगी और कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। वो फेक करेंसी का तो कंप्लेंट आता रहता है तो, बट हम उसके ऊपर अलर्ट हैं, अगर वैसा कुछ है तो ज़रूर हम उसके ऊपर भी हम रिएक्ट करेंगे। सर प्रेमचंद ब्राह्मण ये गुड़म्बा के ऊपर एक्साइज वालों के साथ ये टीम्स रेडी करके हम रेड करेंगे और सीज करेंगे। स्पेशली प्रेमचंद में डेली 7 o'clock कंपल्सरी व्यवस्था भी प्ले करें। हैदराबाद धूलपेट से आ रहा है वो मालूम है, वहाँ सनत नगर में भी ऐसा कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो हम उसके लिए ऑलरेडी बोल चुके हैं, DCPs इसके बाद एक्शन ले लेंगे। सर आइडेंटिटी प्रांत जरूर आइडेंटिटी प्रांत।